सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम मुक्तेश्वर में और आज हम यहाँ कैंपिंग करेंगे। बहुत अच्छी एक साइट ढूंढी आप लोगों के लिए। तो जी, बैग मैंने तो अपना उठा लिया, बाकी रोहित भाई भी अपना बैग उठा रहे हैं। यहाँ नीचे एक साइट है, ये देखिए। अभी तो अंधेरा दिख रहा होगा, लाइटें जल रही, थोड़ी बहुत चलते हैं। सो फाइनली गाइस, आज रात की कैंप की जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ में कैंप लगाना है। ये गाइस आज की लोकेशन मस्त, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत सारा काम है। अभी लकड़ियाँ ढूंढनी है और टेंट सेटअप करना है, तो फटाफट पहले टेंट सेटअप करते हैं, फिर लकड़ी ढूंढेंगे। आग भी जलानी जरूरी है। 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, और ये कुछ सुंदर नज़ारा भाई, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। सुबह दिखाते हैं आपको, सुबह दिखेगा व्यू, तो रात हो रही है अभी, क्योंकि फिलहाल कैंप साइट हमें मिल गई है। यहीं हम अपना कैंप करते हैं। रोड साइड है ये भी, रोड से ऐसी 20-30 मीटर नीचे उतर के। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लोकेशन है जहाँ पर आप भी कैंप कर सकते हैं कभी मुक्तेश्वर आएँ तो। टेंट सेटअप करने से पहले हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप लगाया है, जिसमें ये बैटरी हो गई अपनी, ये AC/DC कन्वर्टर हो गया। इससे कनेक्ट करके हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास पावर सॉकेट है, जो कि बैटरी हमें पावर दे रही है, इससे हमारा सारा सामान चार्ज हो जाता है। टेंट सेटअप हो चुका है अपना। अब चलिए फटाफट से थोड़ी आग वाग जलाने की व्यवस्था करते हैं, लकड़ी ढूंढते हैं। कहीं लकड़ी मुश्किल आज मिलनी, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए लकड़ी ढूंढने चलते हैं गाइस। तो भाई चलिए लकड़ी वगैरह देखते हैं, कहीं मिलती है तो। इस जंगल में लकड़ी के बिना तो भाई रात काटनी भारी हो जाएगी। तो भाई थोड़ी सी ये छाल मिली है, लो रोहित भाई पकड़ो इसे। और एक लकड़ी ये सूखी हुई है, ये छोटी छोटी है छाल, ये भी काम देंगी तो देंगी। जैसे ये हो गई तो जी, ये लकड़ी आ चुकी है कुछ बड़ी मशक्कत के बाद। सूखी सूखी लकड़ी हमने बीनी है सभी, है नीचे से। ये देखिए ज़्यादातर इसमें छाल ही है। कैंप अपना ये लग रहा है। अब फटाफट आग जलाते हैं, फटाफट बॉनफायर करते हैं और फिर खाना बनाते हैं कि क्या बनाएंगे देखते हैं। वाइस बॉनफायर रेडी है, बिल्कुल ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए सबसे पहला काम यही किया, पहले आग जलाएं, थोड़े से हाथ वगैरह सेकें, उसके बाद देखते हैं खाने वाने की। तो अभी ऐसी भूख लग नहीं रही। तो ये दाल धोली हमने, ये देखिए आज अरहर की दाल बनेगी चूल्हे पर ही। फटाफट इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और थोड़ी सी डालते हैं हल्दी पाउडर। रुक रुक, मैं तुझे चील आगे देता हूँ। हो गया तो भाई आज कुछ इस तरीके से चूल्हे पे अपना खाना बन रहा है। कभी कभी ऐसा एडवेंचर भी करना चाहिए, ब्यूटेन वगैरह है हमारे पास, लेकिन चूल्हे की रोटी, चूल्हे के दाल और चूल्हे के चावल खाएंगे आज। पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, चिर वाले आ वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगा मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, चिर वाले आ, चिर वाले आ, चिर वाले आ वेखदा। ये दाल भी हमारी आखिरकार चूल्हे पे ही बनी। यूटेन पे बहुत देर लग रही थी यार, भूख लग रही है बहुत तेज, तो थोड़ा सोचा जल्दी बनाए। गल्ला तेरी मिठी अंदर डिंगे तेरी चालवे कानू में
तो गाइस ये कुछ प्रेजेंटेशन आई है आज की अपनी। ये अपनी दाल चावल हो गए, इधर दाल और चावल कुकर में रखे हैं, और इसमें अपने रोहित भाई तैयार हैं डिनर के लिए। बिल्कुल भाई, भूख लगी है बहुत तेज, अब बहुत तेज आ गई। गाइस ये देखिए क्या है, इसने तो यार पैर सेक दिए बिल्कुल, इतनी बढ़िया आग जल रही है हमारी आज। इसी के साथ गाइस मिलते हैं सुबह, आज बहुत थकान हो रही है, सोते हैं फटाफट, होती है सुबह मुलाकात। दिन निकल चुका है बढ़िया फर्स्ट क्लास, आज थोड़ा लेट उठा मैं, 11 बज रहे हैं अभी सुबह के, धूप निकल चुकी है फुल ऑन। और ये देखिए हमारे मेहनती आदमी रोनित भाई, अरे क्या लिया ये गुरुजी? यार रात को लकड़ियाँ नहीं मिलती ना, फिर बताइए अभी से ही ले आता हूँ। गाइस रात की लकड़ियों की तैयारी अभी से हो चुकी है, देखिए कितना मोटा लठ लेके आए हैं रोनित भाई, बहुत सही चलेगा ये रात में। और ये देखिए गाइस यहाँ कुछ हम रात रुके थे, वो अपनी गाड़ी खड़ी है ऊपर, वहाँ से थोड़ा सा नीचे हम इस लोकेशन पर रात पहुंच गए थे। रात ठंडा हो गया था, 6-7 डिग्री टेम्परेचर था जब हम सोए थे, और रात में 3 बजे करीब या 3-4 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, तो थोड़ा ठंडा था रात, लेकिन बाकी ऑल ओवर मज़ा आया। गाइस ये वो लोकेशन है जो मैं आपको इस ब्लॉग में अपने दिखाने आया हूँ, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है मुक्तेश्वर। और वैसे बेसिकली ये जो लोकेशन है ये नाइट व्यू के लिए अपने मशहूर है, शाम का सनसेट का इतना सुंदर व्यू आता है गाइस यहाँ से, शाम होते ही आज हम यहीं रुकेंगे यही डिसाइड किया गया। फिलहाल ये देखिए सुबह हुई है, इस धूप में तैयार था, रात तो बहुत ठंड हो गई थी। बढ़िया हो गया मौसम, शांति एकदम। तो जी ये कुछ कर रखी है रोनित भाई ने नाश्ते की तैयारी, सुबह जाके आदमी अकेला पैदल 3 किलोमीटर नीचे, और ये सब सामान ले आए हैं। चलिए फटाफट कुछ नाश्ता बनाते हैं, भूख लगी है बढ़िया, लंबे टाइम सोने के बाद सुबह जल्दी भूख लग जाती है। चलिए अपना ब्रेकफास्ट चालू करते हैं, कुछ बनाते हैं बढ़िया सा खाते हैं, क्यों रोनित भाई? बिल्कुल भाई, भूख लगी है कुछ खाते हैं बनाते। सुबह यार अकेले ही चले गए तुम, हमें भी उठा लेते भाई। कोई बात नहीं, कोई बात जाना तो था ही, जाना तो था ही, वॉकिंग वही बहाने हैं। पहाड़ी लोग बहुत मदद करते हैं यार, मेरे को थोड़ा सा आगे गया, लिफ्ट मिल गई यहाँ से। अच्छा, फिर मैंने उनको बोला भैया कैंप सेटअप गया, तो उन्होंने खुद ही मेरे को छोड़ के भी गए वापस। क्या बात है भाई, पहाड़ी लोग वाकई यार बहुत ग्रेट होते हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर होता है, हेल्प करते हैं। चलिए भाई ये कुछ सामान रोनित भाई ने इकट्ठा कर रखा है सुबह से, लेके चलते हैं इन्हें नीचे और बनाते हैं अपना नाश्ता बढ़िया। अरे वाह यार रोनित भाई क्या सिस्टम जमाया तुमने तो यार।
देखो जी आज हमारा किचन सेटअप लगा है यहाँ पर अपने टेंट के पास। ये देखिए अपने टेंट वो खड़ा है। तो ये कुछ गाइज अपनी किचन का लुक है, जस्ट हैव अ लुक। ये देखिए ये हमारी क्रॉकरी रखी है और ये अपनी वुडन क्रॉकरी हो गई, जिसमें अभी चाय बनाने के लिए हमने ये काली मिर्च, इलायची और लौंग वगैरह निकाल ली है। ये अपनी गाइज मसालदानी देखिए, सुंदर मसालदानी लिए। अभी इसमें हमारे पास 6 ही मसाले हैं, खुलती है गाइस, बढ़िया लकड़ी की है। और इधर अपना ये सब सामान रखा है। आज बन रहे हैं गाइस बंद और टोस्ट, और ये अपनी सब्जी वगैरह की टोकरी हो गई। बाकी सामने का नज़ारा तो आप देख ही सकते हो उधर का, बिल्कुल रौनक भाई के कहते ही नज़ारा देखिए। नज़ारों के बीच हमारी प्यारी सी किचन, ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू आ रहा है। रोनित भाई आज हमारे शेफ जो बनाएंगे मस्त, क्या बना रहे हो रोनित भाई? आज बनाते हैं ब्रेड टोस्ट खाएंगे गाइस। चलिए फटाफट आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। ब्रंच हो रहा है अभी, 12 बज गए हैं, करते करते ही हमें तो ब्रंच करते हैं अपना चाय के साथ, ब्रेड टोस्ट के साथ, बढ़िया। कुकर सीटी मार रहा है, हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं और इधर अपनी सब्जी कट रही है धीरे धीरे। बाकी ये सारा सामान हमारा लगा हुआ रेडी। लुक एट दिस गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट इज दिस लाइफ। आलू हमारे ठंडे हो रहे हैं अभी, आलू फटाफट ठंडे हो जाएं फिर आलू छीलते हैं। प्याज वगैरह ये देखिए कट चुकी है हमारी, और अपने टमाटर वाले भाई काट रहे हैं। और हरी मिर्च और फ्रेश जिंजर। दोस्तों बढ़िया अपनी फीलिंग तैयार हो रही है, एक नंबर तड़का लग रहा है। फटाफट आलू में मिलाते हैं उन्हें, फिर बनाते हैं अपने सैंडविच और चाय के साथ बढ़िया बैठ के खाते हैं, ऊपर ही खाएंगे अपने कैंप के पास। यहाँ लेट के भी खा सकते हैं, आंगन है हमारा, वो घर है, नीचे थोड़ा सा बाथरूम है, पूरा घर वाली फीलिंग है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपके प्यार की कमी है बस। तो गाइस आलू डलने का टाइम आ चुका है हमारा, फिलिंग रेडी है बिल्कुल, सही रहता है यार ज़्यादा गल जाए तो। गाइस ये कुछ अपनी स्टफिंग तैयार हो गई है सैंडविचेस की। गाइस ये आई है अपनी फिलिंग, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, इसे रखते हैं अभी थोड़ी देर यहाँ। और अपनी अब ये मेन सीट संभालते हैं, गुड़ वाली चाय एज यूजुअल, बहुत सुंदर वाली ये सही करा। जब तक चाय ना पियो तब तक आनंद नहीं आता है भाई, आनंद तो अभी यहाँ आ रहा है बिल्कुल, एक नंबर में। ओह हो, पहाड़ और पहाड़न के हाथ की चाय, पहाड़ और ये गुड़ वाली चाय और ये सैंडविच, क्या बात, जल्दी बनाओ रानित भाई, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा, बहुत देर से रुका नहीं आ रहा भाई। भाई यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा पिछली वीडियो पे थोड़ा आपका प्यार मिला, लेकिन भर भर के लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें। भैया अपनी पहली ब्रेड तवे पर बढ़िया करके रोनित भाई से दोनों साइड से सेक लो।
बहुत सारे टोस्ट बनाए, बहुत भूख लग रही है। ये रेडी है गाइस, देखिए अपने टोस्ट बन के कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये आ गया दूसरा, वो अपना टेंट लग रहा है देखिए बिल्कुल सामने, और वो अपनी गाड़ी खड़ी है उधर। ये आसपास चलता गाइस सब, ये कैंपिंग अच्छी लगती है। ये देखिए, और ये सामने के नजारे भाई सब बढ़िया, एक नंबर भाई। तो गाइस चलिए मैं भी चलता हूँ टेंट में, जरा थोड़ी सी ठंड हो रही है, जैकेट वगैरह निकाली जाए। गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी, ये देखिए भाई क्या मस्त अपना टेंट लगता है हमेशा की तरह सुंदर। ये देखिए दोस्तों, और वो अपनी साइड में किचन लगी हुई है देखिए। रोनित भाई असमंजस में कहाँ से शुरू करूँ। तो ये परफेक्ट प्लेट अपनी रेडी हो चुकी है, ये देखिए चाय सैंडविच अपनी, सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा, और इस नज़ारे के बीच तो ये और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देती है गाइस। रोनित भाई रेडी, रेडी टू ईट, रेडी टू ईट। उठाओ फिर रोनित भाई, लेट्स टेक अ कप ऑफ टी। एक नंबर बढ़िया, नहीं एक नंबर। तो भाई शाम हो चुकी है, बढ़िया सनसेट देखा आपने कितना मस्त नज़ारा है। अभी एक भाई मिला है जिनकी प्रॉपर्टी है, वो आए भाई ने देखा बोले यार तुम्हें ठंड लग जाएगी, लकड़ी वकड़ी तोड़वाने में देखो यार भाई मदद कर दिया, मदद कर दी भाई ने, भाई मिलवाता हूँ आपको। तो जी बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बढ़िया सनसेट हो गया बिल्कुल, ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही बस बचा है। रोनित भाई हमारे, ये देखिए शाम का भी रोनित भाई का आज भी फुल मस्ती, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। भाई लाइट वगैरह ऑन कर दी थी टेंट की। तो भाई ये भाई थे अपने जिन्होंने लकड़ियाँ तोड़ के दी, हमारी हेल्प करी। क्या नाम हुआ भाई अपना? चंदन भाई। चंदन भाई यहीं अपने यहीं रहते हैं, पीछे ही रहते हो ना आप? बढ़िया यार भाई, आना रात में टाइम वाइम लगे आ जाना कैंप में, 10 साल बस 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 ठीक है भाई आना। लकड़ी का सेटअप तो आज अपने पास बहुत सारा है, ये पतली लकड़ी भी जो है जो भाई ने तोड़ के दी थी, और ये अपनी मोटे गट्ठे भी मैं और रोनित भाई अभी ले आए थे। कुछ मेहनत करवाई है आज जंगल में इस लड़के ने। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार रोनित भाई, आग नहीं जलानी थी यार बढ़िया, पर आज इतनी लकड़ी है कि पूरी रात आग लग सकती है। ये इतनी लकड़ी आज है। तो भाई ये कुछ आज हमने चूल्हे का सेटअप हमने कराए, ये दो पत्थर लगाए बढ़िया वैसे देखिए, और इसके बीच अपना कैंप फायर लगेगा आज। लीजिए अपनी बॉनफायर भी स्टार्ट हो गई है, ठंड में भाई आग ही सारा है यार, और अपने को तो इतना प्यार है इस आग से, बहुत ही अच्छी लगती है।
बाकी गाइस नई बात यह है, संपर्क सूत्र से अभी पता चला है कि एक अपना दोस्त है मुक्तेश्वर विजिट पे आया हुआ था, वो और उसका एक मौसी का बेटा, तो अपने दोनों भाई अभी कुछ देर में ही हमें मिलेंगे यहाँ, यहीं पीछे ही है वो भी, यहाँ से 15-20 किलोमीटर। अभी सडन फोन आया उसका, उसने हमारा कल ब्लॉग देखा था, आया आज शाम को कि भाई हम भी मुक्तेश्वर का प्लान कर रहे थे और मुक्तेश्वर ही थे, मैंने कहा आ जाओ यार मिलते हैं, तो अभी गाइस आने वाले हैं थोड़ी देर में, मिलवाता हूँ बहुत जल्दी अपने भाई से, अपना एक भाई नहीं दो भाई, दोनों भाई आने वाले हैं। मस्त आग चल रही है, देखिए कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, एक साइड तो रुकी नहीं रही आग। तो जी सूप अपना बन गया है, बढ़िया रौनित भाई करिए। और ये अपने सैंडविच रखे थे गाइस, जो हमने गरम कर लिए हैं दोबारा से, गर्मा गर्म सैंडविच के साथ सूप अपना। थैंक यू रौनित भाई, देखिए गाइस क्या मस्त। तो ये देखिए गाइस इवनिंग स्नैक्स अपने, सैंडविच बच गए थे हमारे दो दोपहर, अब काम आएंगे। लो रौनित भाई ये देखिए गाइस गाड़ी आ चुकी है अपने दोस्त की, रौनित भाई गए रिसीव करने, बढ़िया अपना ठंड बढ़ गई भाई, लेकिन देखिए बढ़िया अपना बॉनफायर चल रहा है, तो ज्यादा दिक्कत हो नहीं रही। ये भाई अपना छोटा भाई हन्नी, क्या हाल है फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट गेस्ट, और दूसरे हैं अपने सौरभ भाई जो आ रहे हैं हमारे बड़े भैया, हमारा भाई हन्नी भाई के बड़े भैया, अपना तो यार अपनी जान है, आज भी डंगवाल जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है मेरे भाई, और सुनाइए। बढ़िया बढ़िया। ये है अपना सौरभ भाई गाइस, अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना दोस्त यही है, काशीपुर में साथ ही रहता है भाई। आओ फिर आओ बैठो, आओ बैठो यार, इसे बैठो, बैठो डंगवाल जी उधर बैठो, हन्नी बैठ, और भाइयों को खिलाते हैं आज, क्या खिलाते हैं अमित भाई, पनीर टिक्का, पनीर टिक्का भाई, पनीर टिक्के की तैयारी हो गई है, अनमोल भाई टिक्का स्पेशलिस्ट, बिल्कुल मेरे भाई, कुछ तो यार वीआईपी ट्रीटमेंट होगा यार, इतनी दूर से आए हो तुम दोनों भाई हमारे प्यार में, इतने टाइम बाद, और वो भी बहुत टाइम बाद। तो भाई ये देखिए अपना ग्रिल का सेटअप हो चुका है, यहाँ अपनी ग्रिल लगाते हैं रौनित भाई, तुम अपनी चालू करो प्रक्रिया, ये रखो, ये रखते हैं, और ग्रिल वो दो मुझे लगा लगा के, इसको सीधा रख ले, ऐसे रख लेते हैं। ये गाइस देखिए अपनी सीख तैयार हो गई है, पनीर टिक्के की एक आ गया गाइस, पहला सीख हमारे टिक्के का। खाना वगैरह गाइस हमने सब बना लिया है अपना, सब्जी बनाई है आज आलू टमाटर की, और अपना साथ में ये तंदूरी टिक्का चलेगा, फिलहाल पोजीशन ये है। हो गया, हाँ बढ़िया लग रहे हैं, और लगा दो एक, एक सी और लगा दो। तो गाइस ये कुछ अपनी पनीर टिक्का मेकिंग चल रही है, बस थोड़ी देर में टिक्के भी हमारे रेडी हो जाएंगे, सब्जी हमने बना ली है, फटाफट डिनर करते हैं भाइयों के साथ। ऑल क्रेडिट गोज टू रौनित रोहिला, भगवान ने इनके हाथों में ऐसा स्वाद दिया है कि ऐसी ऐसी रेसिपी हमें खिलवा देते हैं कि भाई मुंह में पानी आ जाता है। ये देखिए आज से काफी ऊपर है ग्रिल हमारी, तो जितनी धीरे धीरे पकेंगे उतना बढ़िया रोस्ट होंगे। ये देखिए दोस्तों थोड़े थोड़े सिकने लगे हैं अब हमारे टिक्के, ये बटर गरम कर लिया है, बटर लगाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए बुरांस के पेड़ की पत्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है आज भी, बिल्कुल नेचुरल बटर।
ये वाला तो हो गया ब्राउन, ये होने लग गया है, बिल्कुल मेटल में है ना। ये देखिए गाइस कलर आ गया टिक्को में, बढ़िया अपना तंदूरी कलर, स्मोकी फ्लेवर आ रहा भाई पूरा। आज भी मेरे भाई कितने बढ़िया लग रहे हैं दोनों साथ में बैठे हुए। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग बैंगलोर टू मुक्तेश्वर। गाइस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्नी अपना भाई गाइस बैंगलोर से आया हुआ है अपने से मिलने, काफी टाइम से ब्लॉग देख रहा था भाई अपने, आज अपने साथ है, बड़ा अच्छा लग रहा है इसके साथ, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। और टिक्के तो हमारे देखिए बस कुछ देर और हो गए हैं गाइस, हमारी दो स्टिक्स तैयार हो गई हैं, ऑलमोस्ट दो स्टिक हो गई इनमें से। हाँ पहली सीप भाई ने निकाल ली है, गरम हो रहा है गाइस। ये है गाइस मेकिंग, देखिए हमारे पनीर की आज की टेस्टी, चेक कराओ रोहित भाई वो भी दिखाओ। अन्नी भाई क्या सीन है शाही पनीर के साथ? हाँ ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, शिमला मिर्च और अपना पनीर लगाओ भाई, बोरांस की पत्तियों से जो इसकी बटरिंग हो रही है भाई, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चल रहे हैं इसमें गाइड, नरिशिंग कुछ नेचुरल लेवल वाली हो रही है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे भाई इसमें। नहीं ये तो मैंने भी सोचा इतने टेस्टी बनेंगे ये। यार रोहित भाई जब हम बनाएंगे तो टेस्टी नहीं बनेंगे यार, बिल्कुल भाई इतनी मेहनत करी है तुमने टिक्के बनाने में यार, मजा आ गया। ऑल थैंक्स टू मैरिनेशन, थैंक यू सो मच। मैरिनेशन भाई का था जो बात है, मेन मैरिनेशन इसमें मेन रोल जो है भाई मैरिनेशन का ही है, मैरिनेशन आपका बढ़िया होगा तो टिक्के तो बढ़िया बनेंगे ही। दिखाओ जरा क्या था इसके साथ, शिमला मिर्च और दो एक टमाटर, इस बार प्याज भी। गाइस फाइनली आज का दिन एंड हुआ, बहुत बढ़िया भाइयों के साथ एंजॉय किया, अब इनका रूम वगैरह बुक है यहीं आसपास ही, हॉस्टलर पीछे ही है, वहीं भाई भी रुके हुए हैं। और बताओ बाकी सौरभ भाई, बढ़िया रही हमारी कैंप साइट? बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आया, मजा आ गया, बेस्ट पार्ट था खाने का। अच्छा खाना भी बढ़िया लगा है? अच्छा बहुत अच्छा यार, यही है अपना दिलों में प्यार रहता है तो टेस्ट आ ही जाता है। बिल्कुल भाई जी बिल्कुल, ये भाई अपना लंबा आया है दूर से बैंगलोर से अपने पास कैंपिंग करने, खास स्पेशल बुलाया गया है मुझे, छोटा भाई है ये अपना हन्नी। नेक्स्ट व्लॉग दोनों भाइयों के साथ ही होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त लोकेशन एक ढूंढ ली है, दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जरूर देखना गाइस मजा आ जाएगा। तो गाइस दोनों भाई जा चुके हैं अपने ऊपर गाड़ी पे अपनी, वहां से अब वो पहुंचेंगे अपने हॉस्टल में, रोहित भाई छोड़ने गए उन्हें। बाकी ये व्लॉग आज अपना यहीं एंड होता है, बताना कैसा लगा गाइस, जो भी अच्छा लगा हो बुरा लगाओ बताना सारा हमारा व्लॉग कैसा रहा आज का। और नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, मुक्तेश्वर की एक हिडन साइट हम कल रिवील करेंगे आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो वो भी देखिएगा। और व्लॉग अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, लाइक करें हमारी वीडियोज़, थोड़ा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,